गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है। इसके पहले वीडियो में हम जाने थे कि यदि किसी काल्पनिक यौगिक से केवल एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं, हम इसके बारे में जाने थे। और आज हम देखेंगे कि यदि कोई काल्पनिक यौगिक जुड़ा है दिया गया है और उसमें एक या एक से अधिक यानी एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, तो आपको क्या करना है, उसमें भी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढना है, यानी सबसे लंबी चेन हमें सर्च करनी है। और उसमें आप चेन इस प्रकार से सर्च कीजिए, यानी इस प्रकार सबसे लंबी चेन बनाइए जिसमें मैक्सिमम क्रियात्मक समूह आ जाए, यानी आपके सभी जितने भी क्रियात्मक समूह उस कार्बनिक यौगिक में आए हों, हमको चयन उस प्रकार से करना है कि उसमें सभी क्रियात्मक समूह आ जाए। और फिर आपको बच्चों यह ध्यान देना होगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह सबसे आपका ऊपर, यानी किस प्रकार से हम काउंटिंग करें कि हमारा क्रियात्मक समूह है जो नजदीक पड़े। तो बच्चों, आपको आपके बुक में 12.2 एक सारणी बना कर दिखे बनाकर दी गई है, तो उस सारणी को आपको क्या करना है, याद करना है, यानी आपको आपको अपने बुक में देखना है कि उस बुक में आपको क्या किया गया है। जो सारणी आपकी 12.2 है, 12.2 में आपको बताया गया है यहाँ पे कि प्रमुख समूह के रूप में नामकरण हेतु क्रियात्मक समूहों का अवरोही क्रम वरीयता क्रम, यानी अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको उनका वरीयता क्रम दिया गया है। इसका कहने का मतलब यह है जो तत्व आपका ऊपर है उसका नामकरण क्या, मान लीजिएगा एक से, यहाँ देखिए आपका क्रियात्मक समूह आपका यह आया है, यह एक क्या कार्बोक्सिलिक समूह है, और यहाँ पे हमारा एक क्या हाइड्रोक्सी समूह है यानी अल्कोहलिक समूह, और एक हमारा यहाँ पे क्या है साइनो समूह। तो बच्चों, यह आपका वरीयता क्रम मतलब में सबसे इसको ऊपर दिया गया, यानी इसको हम इस प्रकार से काउंटिंग करना है हमको कि यह जो वरीयता क्रम में आपका नंबर वन कार्बन है यह सबसे पहले आना चाहिए, यानी काउंटिंग इस प्रकार से हमको करना है। तो बच्चों, आपको यह ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी आपका अगर कार्बोक्सिलिक समूह मिल जाए तो उसमें देखिए जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसमें आपका कार्बन नंबर कार्बन होता है, तो इस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, यानी कार्बन की काउंटिंग जब करेंगे तो अगर किसी भी समूह में हमारा क्या कार्बोक्सिलिक समूह है तो उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर कार्बन कह देते हैं, या उसको काउंटिंग में हम सबसे पहले गिनती देते हैं। तो देखिए बच्चों, यह हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, तो उसके बाद हमारा यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड कार्बन यानी दूसरा नंबर कार्बन, और यह हमारा तीसरा, यह हमारा चौथा नंबर कार्बन, यह हमारा पांचवा, यह हमारा छठवा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए जो हमारी काउंटिंग की चेन यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनी है, इसमें जितने भी क्रियात्मक समूह यानी देखिये हाइड्रोक्सी समूह है यह भी आ गया है, और यह हमारा जो साइनो समूह है सीएल यह भी हमारा आ गया। अब बच्चों, हमको क्या करना है, अब इस कार्बनिक यौगिक का हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए बच्चों आपको ध्यान देना है, हमको काउंटिंग पहले नंबर सबसे लंबी चेन ढूंढना रहता है, उसके बाद चेन ढूंढने के बाद अब इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है इसको हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, यानी कौन सा नंबर जो है आपका पहले आता है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक समूह है तो आपका किससे शुरू होता है, सी ए आर बी ओ कार्बोक्सिलिक होता है, और यहाँ पे हमारा साइनो समूह तो इसका नाम होता है सी वाई एन ओ साइनो हो जाता, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी है तो एच वाई। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, तो बच्चों देखिए इसका जो आपका जो नाम है वह क्या है कार्बोक्सिलिक है, और यह क्या साइनो है, यह हमारा हाइड्रोक्सी समूह। तो इसमें हमारा जो हम सारणी में देखते हैं तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक समूह है यह क्या है सबसे पहले ऊपर दिया गया है। तो इस कार्बनिक यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें हमारा जो सारणी में सबसे ऊपर है उसका हम क्या यूज करते हैं सफिक्स, यानी जो बाद में नाम में जोड़ा जाता है किसी नाम के अंत में हम उसका यानी सफिक्स यूज करते हैं, और जो बाकी आपके जो बच रहे हैं दोनों इसका हम क्या यूज करते हैं
प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चों जो हमारा साइनाइड समूह है इसका जो प्रीफिक्स होता है आपका होता है साइनो, क्या होता है बच्चों साइनो। और जो हमारा हाइड्रॉक्सी समूह है इसका जो हमारा प्रीफिक्स होता है वह होता है हाइड्रॉक्सी, क्या होता है बच्चों हाइड्रॉक्सी। आप जानते हैं यह क्या इसका प्रीफिक्स और जो सफिक्स होता है अलग होता है। यहाँ साइनाइड समूह किसी भी समूह में जुटा था वहां तो हम जोड़े थे, तो यहाँ जिसका सफिक्स होता है हमने आपको क्या बताया था नाइट्राइल जोड़ा गया था उसका नाम लिखते समूह, और जो आपका हाइड्रॉक्सी समूह होता है वहां हम क्या जोड़ते हैं आर जोड़ते हैं। लेकिन जब केवल एक कंपाउंड रह गया यानी एक ही क्रियात्मक समूह रहता है तब वहां उसका हम क्या यूज करते हैं सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन जब किसी भी कार्बन के रूप में एक या एक से क्या अधिक आपके क्या क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं वरीयता क्रम को हमको यानी जो हमारा वरीयता क्रम है यानी कौन सा क्रियात्मक समूह सबसे अधिक वरीयता क्रम दिया जाता है यानी उसको सबसे पहले हम लिखते हैं तो उसका हम क्या यूज करते हैं सफिक्स यूज करते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनका हम क्या करते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चों आपको यह याद होना चाहिए कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो उनका नामकरण हम इसी प्रकार से करेंगे जो आपका जो यानी वरीयता क्रम में जो कार्बनिक यौगिक सबसे ऊपर होता है उसका हम क्या यूज करते हैं सफिक्स यूज करते हैं, और जो बाकी होते हैं उनका हम यहाँ क्या लिखते हैं प्रीफिक्स लिखते हैं। तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स क्या याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस कार्बनिक यौगिक का हम नाम लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिख कर देते हैं। अब देखिए तो हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की मिल गई है छह कार्बन की। चलिए बच्चों हम इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक इसका हम क्या यूज करेंगे सफिक्स, तो हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक समूह का जो सफिक्स होता है वह क्या होता है ओइकम होता है। उसके बाद हमारा क्या बचता है एक साइनो समूह बचता है और एक हमारा हाइड्रॉक्सी बचता है, और यहाँ पे हमारा एक प्रतिस्थापी कार्बन छूट रहा है तो उसका भी नामकरण हमें करना है। तो इन तीनों का नामकरण हम देखते हैं कि किस का नाम सबसे पहले आता है अल्फाबेट के अच्छे में। तो यहाँ देखिए बच्चे साइनो, तो साइनो होता है सी वाई एन ओ, हाइड्रॉक्सी हमारा होता है एच वाई, और जो हमारा यह मेथिल है वह होता है एम से यानी एम ई टी एच वाई ई एल। तो देखिए बच्चों साइनो हम सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद हाइड्रॉक्सी उसके बाद मेथिल लिखेंगे, क्यों क्योंकि हमारा अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सी सबसे पहले एच उसके बाद एम आएगा। तो इस प्रकार से पहले हम क्या करेंगे क्रम बना लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे पहले उस कार्बन का नाम लिखते हैं जिस कार्बन से हमारा यह समूह जुड़े हुए हैं। तो देखिए हमारा जो साइनाइड समूह है वह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है पांचवे कार्बन से, इसका नाम हो जाएगा फाइव साइनो कामा, उसके बाद हाइड्रॉक्सी समूह तीसरे से तो हो जाएगा थ्री, इसका हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो हाइड्रॉक्सी समूह का जो होता है प्रीफिक्स जो होता है वह हमारा क्या होता है अल्कोहलिक समूह का हाइड्रॉक्सी होता है, तो हो जाएगा फाइव साइनो थ्री हाइड्रॉक्सी टू मेथिल, कितने कार्बन एक दो तीन चार पांच छह कार्बन का नाम क्या होता है हैं। अब क्या जोड़ते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह का जो हमारा प्रीफिक्स होता है क्या होता है सॉरी सफिक्स यहाँ लगेगा, इसका सफिक्स होता है ओई अम, तो इस कार्बनिक का नाम हो जाएगा कार्बनिक यौगिक का नाम फाइव साइनो थ्री हाइड्रॉक्सी टू मेथिल हेक्स ओइक अम्ल, या इसको हम मिला के लिख सकते हैं हेक्सेनोइक अम्ल। तो आप बताएंगे कि इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा फाइव साइनो थ्री हाइड्रॉक्सी टू मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। तो बच्चों आप क्या
आपको इस किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह मिल रहे हैं तो आपको उसका नामकरण इसी प्रकार से करना है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो दूसरा कार्बनिक कंपाउंड लिखा गया है इसका हमें नाम लिखना है। क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CN। तो देखिए बच्चों, अगर हम दूसरे जो हमने आपको सीरीज यानी टेबल बताया है बुक में अगर 12.2 में, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है एक क्या है कीटो समूह है और एक हमारा क्या है साइनो समूह। तो अगर उस सीरीज को हम देखते हैं तो हमारा जो साइनो समूह है वह क्या है ऑक्सो यानी जो कीटो समूह है इससे ऊपर दिया गया है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो वरीयता क्रम में ऊपर दिया गया है उस कार्बनिक यौगिक का हम जब नाम लिखते हैं तो उस कार्बनिक यौगिक का हम क्या यूज करते हैं सफिक्स यूज करते हैं और जो उससे नीचे रहता है उसका हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हमारा जो कीटो समूह होता है इसका जो हमारा प्रीफिक्स होता है वह बच्चों होता है ऑक्सो। क्या होता है ऑक्सो। और जो हमारा सीएन समूह है इसका जो हमारा सफिक्स होता है वह होता है हमारा नाइट्राइड। तो हमको बच्चों इस बात को याद रखना है कि हमको यहाँ पे क्या इसका यानी सीएन समूह जो है इसका हमें क्या यूज करना है यहाँ पे सफिक्स यूज करना है और यहाँ जो हमारा कीटो समूह है इसका हमें प्रीफिक्स याद करना है यानी ये लिखेंगे प्रीफिक्स इसका। तो आप प्रीफिक्स जान लीजिए अगर कीटो समूह आपका क्या होता फर्स्ट यानी पहले होता तो उसका हम क्या यूज करते सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो क्रियात्मक समूह यानी जो आपको सरणी बना के दी गई है वरीयता क्रम का उसमें हमारा क्या है साइनाइड जो समूह है वह कीटो समूह से ऊपर स्थित है तो इसलिए हम इसका क्या यूज करेंगे सफिक्स यूज करेंगे और इस कीटो समूह का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो बच्चों आपको प्रीफिक्स और सफिक्स किताब में दिए गए हैं, हमने आपको इसको बता भी दिया है, उसको आपको क्या करना है याद करना है। तभी आप अगर एक से अधिक कार्बनिक यौगिक वाले आपको कंपाउंड मिल जाएंगे तभी आप उसका नामकरण जो है आसानी से कर पाएंगे अन्यथा नहीं। और आपको देखिए बच्चों इसलिए हम क्या करते हैं काउंटिंग यहाँ पे हमारा जो सीएन समूह है इसमें कार्बन है इस कार्बन की भी काउंटिंग की जाती है गिनती की जाती है इसलिए इस कार्बन को हम नंबर करते समय फर्स्ट कार्बन कहेंगे और यहाँ से हमारा दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा पांचवा और छठा। अब यहाँ देखिए हमें कार्बन की सबसे लंबी क्या श्रृंखला भी मिल गई है जो कितने कार्बन की है 6 कार्बन की है और उसमें हमारा क्या जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं वह भी सही आ जा रहे हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आया है डबल बॉन्ड भी आया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि इस बॉन्ड को ध्यान में यानी जब इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो अपना को ध्यान में रखना है कि इस बॉन्ड का भी नामकरण हमें करना है। तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए पहले नाम करते हैं तो जो हमारा कार्बन छूटता है उसका नाम और जो हमारा मान लीजिए अगर अलग आपके पास एक से अधिक क्या क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो जो हमारा जिस कार्बनिक यौगिक यानी जिस कार्बन का हमें क्या यूज करना है सफिक्स उसको छोड़ करके बाकी जो हमारे क्रियात्मक समूह बचते हैं उनका हम जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो वह क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बच्चे क्या कीटो समूह छूट रहा है कार्बन में और कार्बन तो काउंटिंग की जा रही है लेकिन हमारा एक ऑक्सो है यानी कीटो समूह के लिए हम ऑक्सो शब्द यूज करेंगे इसका जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है ऑक्सो और यहाँ पे हमारा एक मेथिल समूह है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सो OXO लिखा जाता है और जो हमारा मेथिल होता है वह इंग्लिश में MeThyl लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओ शब्द हमारा पहले आता है कि यम पहले आता है तो पहले हमारा क्या आता है यम आता है तो पहले हम क्या करेंगे मेथिल समूह को यानी मेथिल जो है उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा किस कार्बन से हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन से तो पहले नाम लिखेंगे 3-methyl लगाएंगे उसके बाद ऑक्सो यानी किस कार्बन से जुड़ा हुआ पांचवे कार्बन से इसका नाम हो जाएगा 5-ऑक्सो। उसके बाद टोटल कार्बन की गिनती करते हैं
तो कार्बन कितने हैं? छह। तो छह कार्बन का नाम होता है हेक्स। उसके बाद बच्चे देखिए तीसरे कार्बन से हमारा क्या डबल बॉन्ड लिखा गया है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? थ्री ई। हम जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए हम एन यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। और यहाँ पे हमारा एक क्या साइनाइड समूह है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? नाइट्राइल जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया थ्री मेथिल फाइव ऑक्सो हेक्स थ्री इन नाइट्राइल। तो बच्चों आपको इस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यानी चाहे जितने आपको क्रियात्मक समूह दिया जाए तो आप उस कार्बनिक यौगिक का नाम आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको क्या याद होना चाहिए, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनका उनका जो सफिक्स क्या होता है और क्या प्रीफिक्स होता है उसको यदि आपको याद रहेगा तो आप आसानी से उस कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। तो चलिए बच्चों देखिए और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जब क्या हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं, और यह आपका क्या होगा? आईपीएससी नामकरण का सबसे लास्ट वीडियो होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने आपको बताया, देखिए पहला नंबर देखते हैं तो क्या है? सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। यह आपका क्या है? एक क्रिया एक आपका आपको कार्बनिक यौगिक दिया गया है और इसका आपको क्या करना है? नामकरण आईपीएससी करना है। तो इसके लिए बच्चे देखिए अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह आया हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है किसी भी कार्बनिक यौगिक में सी डबल ओ एच यानी जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, अगर वह आ जा रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं? फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम फर्स्ट मानेंगे तो हमारा यह सेकंड कार्बन हो जाएगा, और यह हमारा थर्ड, यह हमारा फोर्थ, और यह हमारा फाइव, और हमारा छह यानी सिक्स कार्बन। अब यहाँ देखिए बच्चों एक हमारा यह क्रियात्मक समूह है और एक क्रियात्मक समूह हमारा यहाँ क्या है? सी एच समूह है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जब एक या एक जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए तो जो कार्बन यानी जिस क्रियात्मक समूह को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर दिया गया है अगर वह आ जा रहा है तो वरीयता क्रम में हम देखते हैं यानी जो कार्बन जो क्रियात्मक समूह ऊपर रहता है उसका नामकरण हम करते हैं। तो उसका हम क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं, और जो उससे नीचे रहते हैं उनका हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चों अगर हम वरीयता क्रम में देखेंगे तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक समूह है वह क्या सी एच ओ समूह से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? सी एच ओ समूह को क्या करेंगे? इसका हम सफिक्स यूज करेंगे और इसका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो बच्चों जो हमारा सी एच ओ समूह होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है वह होता है फार्मिल। क्या होता है? फार्मिल। और जो हमारा सी एच ओ समूह होता है इसका जो सफिक्स होता है वह होता है ओइक अम्ल। तो हम यहां यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी फार्मिल। अगर मान लीजिए इसको हम लिखते यहां अगर सफिक्स के स्थान पर यूज करते थे तो हम क्या लिखते थे? अल जोड़ते हैं। इस बात को आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर देखिए हमारा डबल बॉन्ड भी आया है। तो पहले हम जो हमारा कार्बन छूटता है उसका नाम लिखते हैं और जो क्रियात्मक समूह पहले हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? कार्बन की सबसे लंबी चेन वाले का एल्केन का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो कार्बन हमारा मुख्य है यानी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है उसका हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। तो देखिए बच्चे सबसे पहले हमारा क्या है? फार्मिल है, और हमारा क्या है? मेथिल आया हुआ है। तो अगर बच्चे फार्मिल को देखें तो फार्मिल तो हमारा इंग्लिश में लिखा जाता है, तो इसका इंग्लिश होता है एफ ओ आर एम आई एल सॉरी। और जो हमारा मेथिल होता है वह होता है एम ई टी एच वाई एल। तो ध्यान से देखें तो हमारा एफ यहाँ पे देखिए इसका पहला अक्षर है, इसका पहला अक्षर यहाँ पे फार्मिल का एफ है और मेथिल का एम है। तो हमारा जो फार्मिल है वह अल्फाबेट के अक्षरों में क्या अगर काउंट करते जाते हैं तो वह क्या आएगा? पहले आएगा
तो हम नामकरण करते समय जो नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं, अल्फा बेट कर ही लिखते हैं, जो नंबर आपका अल्फाबेट पहले आता है उसका नामकरण हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ लिखेंगे फार्मूले का नाम पहले लिखेंगे, तो फार्मूले यानी कि हमारा जो है वह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पांचवे कार्बन से, तो पांचवे कार्बन का इसका नाम हो जाएगा हाई फार्मिल। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए यह है आपका मेथिल, तो मेथिल किस कार्बन से, चौथे कार्बन से, इसका नाम हो जाएगा फोर मेथिल हाई फार्मिल फोर मेथिल। टोटल कार्बन की संख्या छह, तो छह कार्बन का नाम जो होता है वह आपका होता है हेक्स, और डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन से, तो यहाँ डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे ई, और उसके बाद हो जाएगा पहले कार्बन से हमारा ओई कम जुटा हुआ है, तो एक चाहे लिखे या न लिखे तो लिख भी सकते हैं वन ओई अम्ल। अगर यहाँ पे वन हम नहीं लिखते हैं तब भी हमारा सही रहेगा, अगर लिखेंगे तो और भी सही रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया फाइव फार्मिल फोर मेथिल हेक्स थ्री इन ओइक अम्ल। अब चलिए हम देखते हैं दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें भी हमारा दो क्रियात्मक समूह है, एक क्या है कीटो समूह है, सॉरी कार्बोक्सिल समूह, और एक आपका कीटो समूह है। तो हम जानते हैं कि विलयता क्रम में जो हमारा यह कीटो समूह है इसको क्या सबसे पहले ऊपर ही रखा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, या हमारा सेकंड कार्बन, या हमारा थर्ड कार्बन। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यह हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, यह जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है यह क्या है क्रियात्मक समूह से, यानी कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा आप इसका नामकरण कर दें तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो देखिए चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले इस जो हमारा क्रियात्मक समूह है, पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है कीटो समूह का वह होता है ऑक्सो, तो हो जाएगा टू ऑक्सो। अब कितने कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन का नाम क्या होता है प्रो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ओइक अम्ल, यानी बॉन्ड नेम भी लिखना है, तो अगर सिंगल बॉन्ड से सभी है तो एन, उसके बाद तो इस प्रकार से बच्चों इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा जो समूह है, यानी यहाँ पे देखिए हमारा क्या एक सी एच एल समूह है और एक हमारा यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें जो दोनों कार्बन है वह क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब हमें इसका क्या करना है नामकरण करना है। तो बच्चे देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो सी एच डबल ओ एच समूह है इस कार्बन को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा गया है, तो इस कार्बन को हम क्या कर नाम देते हैं फर्स्ट कार्बन, और यहाँ पे हमारा जो सी एच ओ है इसको हम क्या कर देते हैं सेकंड कार्बन। तो बच्चे देखिए आपका सी एच ओ समूह नहीं है, इसको अगर हम ध्यान से देखें इसको हम लिख सकते हैं यहाँ कार्बन के बीच जो हमारा है यह क्या है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ लगा हुआ है डबल, और यहाँ पे हमारा है सीएच। इस प्रकार से तो हमारा यहाँ सी एच ओ समूह नहीं बल्कि यहाँ पे कौन समूह है कीटो समूह है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप सी एच ओ समूह समझ कर इसको आप फार्मूल शब्द यूज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है कीटो समूह है, तो इसका नाम क्या होता है दूसरे कार्बन से है, तो कीटो समूह का हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वह क्या होता है ऑक्सो, यहाँ इसका नामकरण करते समय हो जाएगा टू ऑक्सो। और कितने कार्बन है दो कार्बन, दो कार्बन का नाम होता है एक और सी एच सी, और जब हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है तो इसके लिए हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल, तो हो जाएगा इथेनोइक। इस प्रकार से बच्चों यदि आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक या एक दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो आपको नामकरण इसी प्रकार से करना है। तो बच्चों बस आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट।